हेलो फ्रेंड्स, संजय हेयर एंड वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद संजय। सो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है कि आजकल अपनी फोर व्हीलर में फास्ट टैग लगाना बहुत ज़रूरी हो गया, कंपलसरी हो गया, क्योंकि कभी भी टोल ब्रिज से पास होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर केवल फास्ट टैग वाली लाइन्स ही अवेलेबल हैं लेंस, और आपको अब पेड वाली लेंस जो है वो आने वाले समय में नहीं मिलेंगी। और अगर आप उस फास्ट टैग वाली लेन में अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं तो दोस्तों आपको डबल चार्ज पे करना पड़ेगा, तो इसलिए फास्ट टैग लगवाना बहुत कंपलसरी है। तो इस समय बहुत सारे फास्ट टैग के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बैंक के थ्रू अवेलेबल हैं, और उसके अलावा बहुत सारी UPIs वगैरह के भी थ्रू अवेलेबल हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो बेस्ट फास्ट टैग अवेलेबल है वो है पेटीएम के थ्रू। पेटीएम के थ्रू इसलिए अवेलेबल है क्योंकि उसमें आपके बैंक से डायरेक्ट पैसा डिडक्ट भी नहीं होता है और वो आपके पेटीएम वॉलेट से पैसे कटते हैं। तो जब भी आपको कभी भी ट्रैवल करना हो तो आप अपने पेटीएम वॉलेट में सफिशियंट अमाउंट रख करके और फास्ट टैग लेंस में से गुजर सकते हैं और पैसा उसमें से ही कटेगा, आपके बैंक में से नहीं कटेगा। उसके अलावा आपके पास पेटीएम से तुरंत SMS आ जाता है कि आपका इतना पैसा डिडक्ट हो गया, जो कि बैंक से इतनी जल्दी नहीं आता है। तो आपकी कार अगर आपका कोई फ्रेंड या आपके मिलने वाले भी लेके जाते हैं, या कभी गलती से या दुर्भाग्यवश चोरी वगैरह भी हो जाती है और फास्ट टैग से पास होती है, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपकी कार किस फास्ट टैग से पास हुई है। और उसके अलावा अगर आप किसी को अपनी कार देते भी हैं तो आप उससे कह सकते हैं, वैसे तो आप कह नहीं पाएंगे क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप उससे कहते हैं कि भाई हमारी कार लेके जा रहे हो तो इस पेटीएम वॉलेट में इतने पैसे डाल देना जिससे कि फास्ट टैग उससे कटता रहे, है ना। तो चलिए आपको बताते हैं कि पहले हम पेटीएम वॉलेट से फास्टैग परचेज कैसे करेंगे और उसके बाद में जब परचेज हो जाएगा तो उसको अपनी कार में इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ट्रैवल विद संजय, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ इसी तरीके की ट्रैवल और व्लॉगिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल के थ्रू ही फास्ट टैग को आराम से परचेस कर सकते हैं। तो आपको साइड में स्क्रीन पर दिखाई देगा कि फास्ट टैग को कैसे परचेस करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने पेटीएम में। तो देखिए, अभी हम अपने पेटीएम में चले गए हैं और पेटीएम में जाने के बाद में हम यहाँ पर ऊपर सर्च में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे फास्ट टैग। फास्ट टैग आप सर्च करिए, तो देखिए यहाँ पर आ गया फास्ट टैग बाई फास्ट टैग फॉर कार, जीप और वैन। तो हमें कार, जीप या वैन के लिए लेना है, तो इसलिए हम कॉमर्शियल व्हीकल के लिए लेना है तो राइट साइड में। तो अभी हम कार जीप वाले में चले जाएंगे। यहाँ जाने के बाद में सबसे पहले मांगेगा आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो चलिए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर भर देते हैं। तो मान लीजिए व्हीकल का नंबर है UK01 7865। ओके, ये हमने भर दिया। भरने के बाद में यहाँ पर आपको फ्रंट फ़ोटो RC की डालनी है, तो फ्रंट फ़ोटो RC की डालने के लिए अलाउ कर लीजिए सभी। और उसके बाद में आप अपनी गैलरी में से जा कर के, यहाँ से गैलरी में से जा कर के जहाँ की मैंने सेव कर रखी है, आपकी ने जहाँ भी सेव कर रखी हो तो वहाँ से आप फ्रंट फ़ोटो उसकी डाल सकते हैं। तो मैंने जहाँ भी सेव कर रखी है मैंने पहले ही उसको डाल लिया है फटाफट। उसको डालने के बाद में यहाँ पर आपको बैक फ़ोटो RC की अपलोड करनी है, वो भी आप पहले से सेव करके रखिए फ़ोटो लेकर के, और वो फ़ोटो मैंने डाल रखी है पहले से। उसके बाद में आप यहाँ से जा कर के इसको नीचे जब ये जाएंगे और यहाँ से जा कर के आप इसको अपना एड्रेस यहाँ से भर सकते हैं। तो आप अपना कोई भी एड्रेस यहाँ से भरने के बाद में जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं कंटिन्यू करके, और उसके बाद में बाई कर लेंगे। तो 350 रुपीज़ का परचेज़ कर रहे हैं, तो 350 रुपीज़ में परचेस करने के बाद में आप इसको ऑर्डर को सबमिट कर दीजिए, अपने पेटीएम से 350 रुपीज़ पेमेंट कर दीजिए। मैंने फास्टैग पहले ही परचेस कर रखा है तो मैंने आपको प्रोसेस बता दी है, और मेरा फास्टैग देखिए आ भी गया है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि फास्टैग कैसा आता है। काफ़ी ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं उसमें।
तो देखिए ये आ गया है फास्ट टैग। ये इतने से एनवलप में आता है, पतले से एनवलप में पेटीएम की तरफ से। अभी मैंने इसको खोला नहीं है, तो आइए चलिए इसको ओपन करते हैं। तो ये मेरे पास लगभग 5 से 6 दिन में आ गया है। इसको हमने खोल लिया है। खोलने के बाद में देखिए इसमें एक तो निकला है ये जो हमारा बिल है, ये हमारा बिल निकला है इसका 350 रुपीज़ का, और उसके अलावा एक पेटीएम का ये निकला है एनवलप। तो चलिए एनवलप को खोलते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एनवलप है भाई। हाँ, एनवलप खोलने के बाद में इसमें से क्या क्या निकलता है। एक तो निकला है ये पेटीएम फास्टैग, योर गाइड टू पेटीएम फास्टैग। देखिए ये एक मैनुअल निकला है, यूज़र मैनुअल, ये यूज़र मैनुअल निकला है। उसके अलावा एक एप्लीकेशन फॉर्म, ये पेटीएम बैंक में अगर आप अपना अकाउंट खोलना चाहें तो उसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा ये है देखिए दोस्तों फास्टैग, ये है एक्चुअल फास्टैग, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और यहाँ पर देखिए पीछे की साइड में इसमें स्टीकर लगा हुआ है, जो कि हम इसको हटा करके अपनी गाड़ी के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ये जो दिख रहा है ये बीच में, यही है एक्चुअली में हमारा रेडियो एंटीना, जो कि हमारी कार को डिटेक्ट करेगा जब भी हम टोल ब्रिज के ऊपर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले अपनी गाड़ी पे और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें करना है इसको इंस्टॉल। तो लेट अस गो। तो फ्रेंड्स, फास्ट टैग इंस्टॉल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको आपको अपनी कार के विंडशील्ड पर बिल्कुल सेंटर में इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी कार की विंडशील्ड का रेफरेंस ले लीजिए आप, जो ये आपका रियर व्यू मिरर आता है यहाँ पर सेंटर में, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए। और उसके बाद में एक अच्छे क्लॉथ से, कॉटन क्लॉथ से इस एरिया को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। तो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए, कोई भी गंदगी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से। तो मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है, और फिर चलिए अब शुरुआत करते हैं माउंट करने की। तो देखिए माउंट करने के लिए हमने अपना फास्ट टैग ये ले लिया है, और इस फास्ट टैग के पीछे की तरफ में जो ये लगा हुआ है स्टिकिंग के लिए, इसको अब हम यहाँ से हल्के से हटा लेंगे। ये हमने इसको धीरे से हटा लिया है, और ये जो पिछला वाला पोर्शन है ये काफ़ी स्टिकी है, और ये बीच में देखो आपको जो दिख रहा है ये है एक्चुअली में इसका एंटीना। अब हम इस जो स्टिकी पोर्शन है उसको अब हम बड़े आराम से ले जाएंगे बीच में, और ये जो एरिया हमने काफ़ी अच्छे से क्लीन किया है इसको हम सेंटर पॉइंट मान के, और यहाँ पर इस फास्ट टैग को इंस्टॉल कर देंगे। ये हमने इसको अच्छे से चिपका दिया है, और इतना इजी है। देखिए अब आपका ये फास्ट टैग आपकी विंडशील्ड के ऊपर इंस्टॉल हो गया है, और ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, जिससे कि जब आपकी कार टोल ब्रिज पर जाए तो एक दूर से ही उसका कैमरा इसको स्कैन कर सके। तो दोस्तों ये था फास्टैग को इंस्टॉल करना। तो फ्रेंड्स ये था फास्टैग को इंस्टॉल करना अपनी गाड़ी के ऊपर। आप किस तरीके से फास्टैग को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ट्रैवल विद संजय, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि बहुत जल्दी आने वाली हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉगिंग और राइडिंग से रिलेटेड वीडियोज़। So friends, stay safe, stay happy and healthy. Goodbye. See you soon.